Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? Janab, kaise aap sab khairiyat se hain? Theek thaak, you all are fine. By the grace of Allah. Very good. Janab, maine aapko bataya tha na, jab aapse koi poochta hai, how are you? To aapne kya reply karna hai? आपने रिप्लाई किया था जब मैंने आपसे पूछा था हाउ आर यू ऑल, भाई आपने कहना है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, जब भी कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? भाई जब कोई हमारी खैरियत पूछता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनसे भी पूछें, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके अंकल हों, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कैसे हैं आप, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे ये बात जनाब, और आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा करिए कि अपनी बुक्स ओपन कीजिए। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने एक पिक्चर डिस्कस की थी, याद है आप लोगों को? जी, इस पिक्चर पे हमने डिस्कशन किया था कि भाई इसमें यहाँ पर अहमद, ज़ेब्रा, किटन सब क्या ड्रॉ कर रहे थे? भाई वो सब एक शेप ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा बताइए, वो कौन सा शेप था? क्या वो सॉलिड शेप था या फिर फ्लैट शेप था? फ्लैट शेप था, वेरी गुड। और ये बताइए कि उस शेप का नाम कौन क्या था? ट्राइंगल, वेरी गुड, ट्राइंगल, वेरी नाइस। और ये बताइए कि ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कौन से सॉलिड शेप की हेल्प लेनी पड़ती है? यस, वेरी नाइस, पायरामिड शेप की, वेरी गुड। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो रहा है। तो चलें आज हम ऐसा करते हैं कि इस पिक्चर की स्टोरी सुनते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा भाई इस पिक्चर में हो क्या रहा है। चलें, ओके। बटरफ्लाई वॉज सिक ऑफ हर ओल्ड किचन, शी वॉन्टेड टू रेनोवेट इट, शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स टू हेल्प हर आउट। They all decided to draw triangles in the kitchen as they matched the shape of her house. Zebra drew blue triangles on the wall. Kitten drew yellow triangles on the fridge. And Ahmed drew red ones on the floor. Ingle, dingle, jingle, three lines single. Ingle, dingle, jingle, three lines single. Make a triangle. When they mingle, make a triangle. When they mingle, wow, कितनी अच्छी राइम है भाई। अच्छा ये देखिए इस स्टोरी में क्या है भाई, बटरफ्लाई भाई बहुत परेशान हो गई थी अपने किचन से, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपने किचन को बहुत खूबसूरत सा बनाया जाए, इज़न्ट इट, यानी कि रेनोवेशन करवाई जाए, कलर करवाया जाए, ताकि मेरा किचन बहुत खूबसूरत सा हो जाए। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, और आपको पता है ना कि बटरफ्लाई का हाउस है वो कौन से शेप में था? यस, पायरामिड शेप में था। तो उनके सारे फ्रेंड्स जल्दी से आ गए उनकी हेल्प करने के लिए। भाई फ्रेंड्स तो होते ही हैं हेल्प करने के लिए, आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प आउट करते होंगे, इज़न्ट इट? यस, तो बटरफ्लाई के भी सारे फ्रेंड्स आ गए, और उन्होंने जल्दी जल्दी से क्या किया, उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई किस तरीके से बटरफ्लाई के किचन को खूबसूरत से बनाया जाए। फिर भाई उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्यूटीफुल से ट्राइंगल्स ड्रॉ करें,
भाई ये आइडिया सबको पसंद आया। फिर ज़ेब्रा ने क्या किया, वॉल्स के ऊपर ब्लू कलर के ट्रायंगल्स ड्रॉ करने शुरू किए। और किटन ने कहाँ पर ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, फ्रिज पर। और कौन से कलर के बनाए थे किटन ने, येलो कलर के ट्रायंगल्स, यस। और अहमद ने फ्लोर पर ड्राइंग करना शुरू की, और अहमद ने कौन से कलर के ट्रायंगल बनाए थे, रेड कलर के। वाओ, फिर तो बटरफ्लाई का किचन बहुत खूबसूरत सा बन गया। देखा, जब फ्रेंड्स हमारी हेल्प आउट करते हैं तो हमारे लिए सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप भी अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए और सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहा करें, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।